हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त रविंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सैतामा इनोकॉइन के बारे में। सैतामा इनोकॉइन के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो दोस्तों क्या आपको यहां पर सैतामा इनोकॉइन को अभी होल्ड करना चाहिए, और सैतामा इनोकॉइन के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो तो किस प्राइस पर आपको सैतामा इनोकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा सा प्यार जरूर से दिखाइएगा, और एक शॉर्ट प्रॉफिट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मिलेगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से भी आप काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, कल भी मैंने आपको ट्रेड दिए थे और 3 ट्रेड यहाँ पर मैं आपको दे चुका था, और यहाँ पर मैंने बोला था कि लॉन्ग का ट्रेड आप यहाँ पर ले सकते हो, और काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग बना चुके थे। और आज भी मैंने आपको यहाँ पर सुबह ट्रेड दिया था BTC के अंदर, बोला था कि यहाँ पर आप 20x का लीवरेज रख सकते हो। 20x का अगर आपने लीवरेज यहाँ पर रखा होगा तो काफी अच्छा आपने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया होगा। शॉर्ट के बारे में मैंने बोला था, और यहाँ पर इमेज को भी यहाँ पर मैंने शेयर किया था, और जिस टाइम पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था वो भी इमेज यहाँ पर मैं शेयर कर चुका था, और आपने भी यहाँ पर प्रॉफिट बनाया होगा। और यहाँ पर जो दोस्तों आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना था वो $16,867 के आसपास, जैसे ही प्राइस आपको बिटकॉइन का देखने को मिलता है तो वहां पर आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना था, और मैं यहाँ पर 2 से 3 ट्रेड यहाँ पर ले चुका हूँ, और यहाँ पर मैं 2 से 3 बार प्रॉफिट भी बना चुका हूँ। तो आप दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट को बना सकते हो, बट जो स्टॉप लॉस है उसका भी आपको यहाँ पर यूज जो है करते रहना है, क्योंकि स्टॉप लॉस का अगर आप यहाँ पर यूज करोगे तो काफी बड़े लॉस से आप यहाँ पर बच सकते हो। अब मैं बात करूंगा सैतामा इनोकॉइन के अंदर आपको किस प्राइस के अंदर एंट्री लेना चाहिए। दोस्तों सैतामा इनोकॉइन के अंदर आपको 0.0008 का सीरीज जैसे आपको देने को मिलता है तो वहां पर आपको एंट्री लेना चाहिए, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सैतामा इनोकॉइन के अंदर। अब मैं बात करूंगा सैतामा इनोकॉइन के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या आपको यहाँ पर होल्डिंग बना के रखना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर होल्डिंग बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो सैतामा इनोकॉइन है ये जो कॉइन है काफी अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर बनाकर दे सकता है। कॉइन को यहाँ पर माइग्रेशन कर दिया गया था, यानी कि अगर आपके पास ओल्ड कॉइन 1 मिलियन है तो वहां पर आपको 1 कॉइन ही मिला होगा, और दोस्तों ऐसे में जो सैतामा इनोकॉइन की सप्लाई है वो भी काफी कम यहाँ पर कर दी गई थी। अब जो सप्लाई आपको सैतामा इनोकॉइन की देखने को मिल जाती है वो 100 बिलियन सप्लाई आपको सैतामा इनोकॉइन की यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप कॉइन मार्केट पर भी देख सकते हो। अब दोस्तों मार्केट के अंदर अगर हम बात करते हैं कि अभी जो मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो कितना है, तो मार्केट के अंदर सप्लाई अगर आप देखोगे तो 38 बिलियन सप्लाई आपको मार्केट के अंदर देने को मिल जाती है। टोटल सप्लाई 44 बिलियन आपको देने को मिल जाती है, और मैक्सिमम जो सप्लाई है वो 100 बिलियन आपको यहां पर देने को मिल जाती है। तो यहां पर जो सप्लाई है वो काफी कम आपको देने को मिल जाती है। अगर आप किसी भी अदर मीम कॉइन को देखोगे तो उसके मुकाबले में जो सैतामा इनोकॉइन की सप्लाई है वो काफी कम हमें यहाँ पर देने को मिल जाती है। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है DeFi प्रोजेक्ट है, Web3 का प्रोजेक्ट है, क्वाइन को यहाँ पर माइग्रेशन कर दिया गया है, यानी कि जो क्वाइन की क्वांटिटी है वो काफी कम यहाँ पर कर दी गई है, और ऐसे में जो सैतामा इनोकॉइन का प्राइस जाने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर $1 तक भी जा सकता है, क्योंकि 100 बिलियन की सप्लाई के अगर आप क्वाइन देखोगे तो काफी आपको जो प्राइस है उनके देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों सैतामा इनोकॉइन के भी जो प्राइस है आने वाले टाइम के अंदर काफी अच्छे आपको देने को मिल सकते हैं, बट उसके लिए यहाँ पर जो इसका लिस्टिंग है वो भी यहाँ पर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी अगर आप देखो जो लिस्टिंग हुआ है यूनिस्वैप है, OKX है, बाय बिट है, गेट आईओ, बिट गेट है, मैक्सी ग्लोबल है, BKX है, एल बैंक है,
सहता स्वैप है, उसके बाद बिटमार्ट है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको होटकॉइन ग्लोबल आपको देखने को मिल जाता है, बिट्रो एक्सचेंज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 13 से 14 ऐसे एक्सचेंज है जहाँ पर सैताम इनकॉइन का अभी तक लिस्टिंग हो चुका है, बट आने वाले टाइम के अंदर जो इसका लिस्टिंग है क्वाइन भी इस एक्सचेंज पर होता है, अगर बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर होता है तो दोस्तों यहाँ पर जो इसके प्राइस हैं वो $1 को बिल्कुल आराम से यहाँ पर टच कर सकते हैं। तो एक लंबे टाइम के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको बनाकर दे सकता है सैतामा इनकॉइन। और पहले भी हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं ओल्ड कॉइन से, तो वैसा ही प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, जैसे ही बिटकॉइन के अंदर हमें एक अच्छी खासी बुल रैली देखने को मिलेगी। दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट, आई होप तो आपको ये अपडेट अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा सा प्यार जरूर से दिखाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।